नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? लॉकडाउन में एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम देने का बहुत अच्छा मौका आया। लेकिन अरे क्या, आप उदास क्यों है? हैंड वॉश खत्म हो गया? आज मैं आपको एंटी बैक्टीरियल एंड मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो आइए पहले हम सामग्री देख ले, उसके बाद शुरू करते हैं। और इस हैंड वॉश को बनाने में बहुत भी ज्यादा होगा तो 10 मिनट में आपका ये हैंड वॉश तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको यूज किया हुआ साबुन चाहिए, छोटे छोटे पीसेस, ठीक है? और अगर बाय चांस आपके घर में यूज किया हुआ छोटे साबुन नहीं है तो एक पूरा साबुत साबुन आप ले लीजिए। उसके अलावा ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है अपने हैंड वॉश के लिए। उसके अलावा एंटीबैक्टीरियल बनाने के लिए हमें फिटकरी का इस्तेमाल करना है। फिटकरी को एलम भी बोलते हैं। उसका इतने से पीस का पाउडर बनाना है, ये मेरा पाउडर तैयार है। उसके अलावा हमें ग्लिसरीन चाहिए, और अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑलिव ऑयल 2 चम्मच कर सकते हैं, या बेबी ऑयल 2 चम्मच यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो। उसके अलावा खुशबू के लिए हम लोग गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, आपके घर में अगर अवेलेबल है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना हैंड वॉश बनाना। तो उसके लिए हमको इस तरह से साबुन को लेकर के छोटे छोटे पीसेस में कट करना है ताकि वो हमारे मिक्सी में, ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। देखिए, मैंने सारे सोप को छोटा छोटा क्रश कर लिया है और इस कटोरी को फिल कर दिया, मतलब समझ में आया। इसी कटोरी का ही सब हम मेजरमेंट लेंगे। इसको हम लोग सारा जार में डाल देंगे और डाल के इसी में ही हम एक कटोरी पानी, प्लेन पानी मिक्स करेंगे। पहले और हम अब इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं एक पतीला चढ़ाया है जिसमें 1 लीटर पानी डाला है और फिटकरी के पाउडर को मैं इस पानी में डाल देती हूँ। पानी में जब भी बैक्टीरिया को मारना होता था तो हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पे भी मैं वही चीज कर रही हूँ। फिटकरी को पाउडर करके मैंने इसको पानी में डाल दिया है, और पानी तब तक उतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली को डुबोने पे वो सहन कर जाए, उतना आप पानी को गर्म कीजिए। देखिए, मिक्सी में आप जब ग्राइंड किए तो इस तरह की कंसेंट्रेसी का आपका सारा सोप डिजॉल्व होकर तैयार हो जाएगा। सारे फोम इस तरह से क्रिएट हो जाएगा आपके पास। आपके जार में इस तरह से सारा फोम जो फंसा हुआ है उसको आप उसी गर्म पानी से थोड़ा सा लगा के और शेक करके थोड़ा हिला के इसको, और फिर सारा इसको लेके इसमें डाल दीजिए। और हाँ, मिक्सी को साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका, इसको धोने के बाद हाफ पानी डाल के उसमें 1 चम्मच नमक और 2-3 बूंद नींबू के डाल के इसको एक बार ब्लेंड कर लीजिएगा तो आप इसके अंदर से इसका स्मेल चला जाएगा। तो हम इसको धीरे धीरे लाइट करेंगे और हमारे लिक्विड सूप के कंसिस्टेंसी की तरह इसको हम पतला करेंगे इस तरह से धीरे धीरे। जब भी आपको लगे कि अभी थोड़ा और पानी डालना है तो वही गर्म पानी जिसमें फिटकरी डाला हुआ है उस पानी को आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए और इस तरह से आप इसको पतला कीजिए। देखिए, इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सारा जितना है वो पतला हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं ग्लिसरीन के 2 चम्मच। आपने फिटकरी डाल के तो इसको एंटी बैक्टीरियल बना लिया, अब ग्लिसरीन डाल के मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। इसके अलावा मैं इसमें एसेंशियल ऑयल मिक्स कर रही हूँ 10 ड्रॉप, एक अच्छी खुशबू है। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे को खुशबू बहुत अच्छा लगता है। 2 चम्मच गुलाब जल भी हमने इस्तेमाल कर लिया। सारा फिर से ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हमारा ये हैंड वॉश तैयार हो गया। अब हम इसको कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, इतना सुंदर हैंड वॉश आपके घर में सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो गया। घर में जो हैंड वॉश का बॉटल है उसको निकालिए, उसके स्ट्रॉ को इसके अंदर डाल के इस तरह से पुश कीजिए तो आपका बॉटल भर जाएगा। देखिए,
मैंने जो एक कटोरी साबुन को क्रश किया था उससे मेरा एक ये फुल बॉटल बना है, एक ये फुल बॉटल बना है, एक इतना बॉटल और बना है, तो इतने सारे एक बार में आपके हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसी से ही हैंड वॉश से मैं हाथ धो के आपको दिखा दूं। देखिए ये आ गया, देखिए कितने अच्छी तरह से झाग आ जाता है। देखिए धो के कितना अच्छा से, और आपका हाथ भी सॉफ्ट है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन था और गुलाब जल बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो दोस्तों अब आपने आज सीख लिया है घर में आप किस तरह से हैंड वॉश बना सकते हैं। तो आज मुझे इजाजत दीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग अपने घर में हैंड वॉश बना के उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के डेट में कोरोना वायरस की वजह से हमें अपना हाथ साफ रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।